सवा नौ हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं, रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, रिजेक्ट करो नामांकन, नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज़ है, एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। नॉमिनेशन के लिए अभी सब अल्लाह पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए नहीं, 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए, अभी एंट्री बंद है, 12 बजे के बाद 11 बजे तक नहीं नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं सर, 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर, जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर, अभी सारी चीज़ें बंद है, और भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें बताया गया है, सब अपने जगह पे हैं, 12 बजे के बाद होंगे। 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर, कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे? नहीं ऑफलाइन में सर, मैं सर आपको पता होगा मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी, और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ, अब मुझे आप बता दीजिए फिर लाइन में लगने से क्या मतलब, आप बता दीजिए, नहीं होगा तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम देख लीजिए, हम लोग आउटर देख रहे, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा अब वो आर ओ तो सीन देख रही है, ठीक है। हाँ तो मुझे आप तो आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं, तो मुझे आप आर ओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है, डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे, फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं, और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया, और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है। और शाम होगी और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए, और अभी ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हूँ ही नहीं इसमें, और वो आर ओ देखते हैं, आर ओ के नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है, मोदी जी नामांकन करेंगे, और 12 बजे तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है प्रोसीजर, एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था, उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे, और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए, ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे दो भागों में बंटा हुआ है, एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है, और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है, अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा।